ऑलराइट गाइस, तो आज फाइनली हम खेलने जा रहे हैं कार फोर्ड सिमुलेटर। जैसे कि आप सबको पता, लास्ट एपिसोड में भाई मैंने सारी कार, लाइक मैंने 60 से 70 गाड़ियां खरीदी थी अपने ऑफिस पे, वो सारी मैंने सेल कर दी। और उनको खरीदने में और सेल करने में मुझे काफी टाइम लगा, लेकिन मजा उनको सेल करने में इतना आया कि भाई पूछो ही मत। ब्रो, अलग अलग टाइप के लोग यहाँ पे आए, कोई 1 लाख रुपए की गाड़ी के 10,000 दे रहा है, कोई 15,000 दे रहा है, तो मेरे को मजा काफी आया उनसे बार्गेन करके वो सब कुछ सेल करने में। तो आज फाइनली मैं फिर से ट्राई करने वाला हूँ भाई कोई निसान GTR या कोई रेयर कार खरीदने का, लेकिन मुझे मिल नहीं पा रही है, पता नहीं क्या हो गया ब्रो। लाइक मैंने चारों तरफ हाथ पैर मार दिए, ऑक्शन में इतनी बार गया, मैं ऑफलाइन भी गया, लेकिन एक बार भी मुझे निसान GTR नहीं दिखी। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी चलते हैं अपने ऑफिस पे, लेकिन उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो, लेकिन सब्सक्राइब कर दो भाई। तो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं आ चुका हूं गेम में, और यहां से अपनी जो ODR है ना, एक बार मैंने साफ कर देता हूं यार, उस बंदे ने पूरी चमका के रखी है। लाइक जो भी गाड़ी ऑफिस में रहती है ना, वो बंदा इनको तगड़े तरीके से क्लीन कर देता है। तो बेसिकली अभी ये गाड़ी यहाँ से लेके मैं जाने वाला हूँ ऑक्शन पे, और ऑक्शन पे एक ट्रिक से मैं देखने वाला हूँ कि वहाँ पे कौन सी कार आई है। लाइक यार काफ़ी दिन हो गए मुझे कोई रेयर कार या कोई क्रेजी कार मेरे को मिल नहीं रही है। तो फिर से एनोवा दबाते हैं, लॉन्च करते हैं अपनी ODR। तो लेट्स गो यार, ODR का जो कंट्रोल है ना भाई, आई लव यू ब्रो, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है ब्रो, बहुत ही ज़्यादा। लाइक ये देखो आराम से वो गाड़ियाँ घूमते, ये देखो भाई कंट्रोल देखो भाई, ये बिल्कुल 200 पे भी ऐसे चलती है मक्खन। तो अभी मैं आज ओके नाइस, अभी मेरे को ऑक्शन पे जाना था यार, मैं ऑफिस कहाँ भाग के आ गया। रुक जा, ब्रेक लगा दे, पीछे से ठोकेगी क्या। तो जल्दी चलते हैं एक बार ऑक्शन में, और मैं देखने वाला हूँ कि कौन सी कार आज यहाँ पे आने वाली है। अबे ये लोग सुबह ही आके बैठ गए यार इधर। ओपन कब होगा? 5 बजे भाई, शाम को 5 बजे होगा, ये लोग अभी से आके बैठ गए भाई। जितनी देर में तो पता नहीं मैं कितने का प्रॉफिट कर लूँगा यार अपने ऑफिस पे। तो यहाँ से एक बार देख लो भाई, जितने की भी गाड़ी होंगी ना मैं खरीद लूँगा ब्रो। यहाँ से कौन सी कार है यार मुझे एक तो, ये मेरे को ODR लग रही है। ओके नाइस, ODR है वो, और इधर भी मैं देख लेता हूँ भाई इधर, ये तो ODR है। अरे यार अच्छी, मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है भाई कि मेरे को कोई क्रेजी रेयर कार मिल जाए ब्रो, कोई निसान GTR। अबे नहीं यार ये कौन सी है भाई, ये नेबरहुड वाले गाड़ियाँ उठा उठा के यहाँ पे ऑक्शन में बेच रहे हैं भाई। देखो आज भी बेसिकली कुछ नहीं है, तो अभी मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा अपने ऑफिस पे, और जितने भी सुपर कार्स हैं ना भाई उनको एक बार मेरे को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो बाहर खड़ी है तो गंदी हो गई होगी ब्रो। भाई सुपर कार का कलेक्शन दिखाऊंगा एक बार, आराम से रिवर्स लो, और इसको मैं पार्क करता हूँ जहाँ पे इसकी जगह है। लाइक हर टाइप की गाड़ियाँ, लेकिन मेरे पास सुपरा काफ़ी ज़्यादा है, सुपरा है एक तो, और हाँ भाई सुपरा बहुत ज़्यादा है, ODR है 2-3, एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। भाई इसको भी चमका दे भाई, यार ये बंदा बहुत सही है। लाइक ये चुपचाप अपना काम करता रहता है भाई, सैलरी भी $500 ही लेता है, लेकिन ज़्यादा तो लेता नहीं है। तो भाई मेरे पास 2 ODR हो गए यहाँ पे, और 3-4 फरारी है, और 2 ODR बाहर खड़ी है, और 2 मेरे पास है लैम्बो, 2-3 सुपरा है, ODTT है 1, ODTT ये वाली भी मैं सेल करूंगा यार। इसका जो कलर है ना भाई, एक बार मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ये बहुत ही गंदा कलर है इसका, ये देखो भाई, इसको ये साफ भी कर देगा ना तो ये गंदी दिखेगी, पता नहीं इसको क्या झमेला है भाई इसके। तो यहाँ पे इसको मैं पार्क करता हूँ, और अभी मैं करने का वाला हूँ, जितने भी कार्स हैं अपने जो बाहर खड़ी है, एक बार मैं इनको वॉश कर देता हूँ भाई, क्योंकि ये गंदी काफी ज्यादा हो गई है। अगर यहाँ से लोग जाएंगे भाई सड़क से, वो देखेंगे भाई क्या कचरा गाड़ियां हैं। तो मैं नहीं चाहता यार अपने जो गेमर गोट कार्स है ना भाई, उसका इंप्रेशन थोड़ा बहुत भी खराब हो, बस क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर नाइस, एक गाड़ी तो चमका दी मैंने, और पोर्ट्स भी मेरे पास काफी सारी है बेसिकली। ऑलराइट गाइस, तो सारी गाड़ियां मैंने साफ कर दी, और लास्ट एपिसोड में लाइक जब मैं ऑफलाइन ग्राइंड कर रहा था, तो मैंने एक स्किल ओपन की है, जिससे पता क्या होने वाला है, लाइक मैं दिखाता हूँ यहाँ से ये वाली स्किल ना, इससे पता क्या होता है कि अपने को जो फॉर एग्जांपल अपनी ODTT है, लाइक मैं इसको सेल करने गया, तो अपने को एक एप्रोक्सीमेटली प्राइस मिल जाएगी कि ये गाड़ी इतने में बिक सकती है। फॉर एग्जांपल ये कौन सी वाली प्राइस, ODR ये वाली गाड़ी, तो मेरे को मैक्सिमम प्राइस मिल जाएगी यहाँ पे, कि आप इसको इतने में लेके इतने तक इसको बेच सकते हो, लाइक सेल कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी स्किल लगी मेरे को, तो इससे अपन अच्छा और ज्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे। इसलिए मैं अपनी जो सुपर कार थी ना, उनको मैं पहले सेल नहीं कर रहा था, क्योंकि एक बार वो स्किल ओपन होने के बाद में अपने को एप्रोक्सीमेटली प्राइस का पता चल जाएगा कि मैं इसको इतने से लेके इतने तक बेच सकता हूँ। तो काफी इजी हो गया ब्रो। अभी अपने को क्या करना है, मैं अपने जा रहा हूँ वापस घर पे, लेकिन अभी मैं कौन सी कार लेके जाऊँ यार, एक तो यार मैं कंफ्यूज काफी हो जाता हूँ यार, गाड़ियाँ ही काफी है अपने ऑफिस पे। तो अभी चलो ठीक है, मैं फरारी लेके जाने वाला हूँ अपने कंटेनर पे, क्योंकि घर पे मेरे को गए हुए काफी दिन हो गए, मैं जाता भी नहीं भाई घर पे। ओ भाई ये ले, क्रेजी भाई ये कलर इतने तगड़े हैं ना इनके ऊपर, देख ठुकना नहीं ब्रो। ओ बीच में से निकालिए भाई, नाइस, अपना कंटेनर आ चुका है, तो मैं गाड़ी थोड़ी धीरे कर लेता हूँ यार, वरना ये 2-3 दिन लग जाएंगे इसको रुकने में।
ऑर्गेनाइज अपने कंटेनर पे आ चुके हैं और मेरा घर है ना, जो मैंने नया घर खरीदा था वो उस तरफ है, तो मैं उतनी दूर नहीं जाऊंगा भाई। नेबरहुड में जाने का मन ही नहीं है मेरा, क्योंकि वहाँ पे इतनी घटिया घटिया गाड़ियां तो मेरी आंखों से देखा नहीं जाता भाई, एज ए कार लवर ब्रो। और ये तो नेक्स्ट डे हो चुका है और आज भी ऑक्शन ओपन हुआ है, तो मेरे को फिर से वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। यार मेरे को निसान GTR तो चाहिए भाई, किसी भी हालत में निसान GTR तो लेनी है भाई मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए भाई, निसान GTR मेरे ऑफिस पे होनी चाहिए। तो लेट्स गो, एक बार फिर से ट्राई करने वाले हैं, मिलती है तो ठीक है यार, बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ मैं अभी। इधर किधर ही था ऑप्शन हो रहा, फिर से मैं वो ट्रिक लगाने वाला हूँ जिससे अपने $300 बच सकते हैं भाई यहाँ पे टिकट के। अबे यार ये वेन खड़ी है यहाँ पे, अबे साले नेबरहुड वाले कब मरेंगे, यहाँ पे आके गाड़ियाँ सील कर रहे हैं अपनी। अरे देख क्या करूँगा भाई ऐसी गाड़ियों का, मैं मेरी गाड़ी के स्क्रेच लग रहे भाई इधर आके, आज भी कुछ नहीं है भाई। तो वापस मैं जा रहा हूँ सोने, हद है भाई। आ चुका हूँ मैं अपने कंटेनर पे और वापस सोते भाई इधर। तो आज फाइनली कार मार्केट प्लेस ओपन होने वाला है, लाइक यार मैं सोच रहा था ऑक्शन ओपन होगा ना तो अपन वहाँ से कोई गाड़ी वाबी देखेंगे भाई लेने का, तो अभी कुछ नहीं कर सकते, अपन को यहाँ से जाना पड़ेगा और कार मार्केट प्लेस से गाड़ियाँ उठानी पड़ेगी। तो लेट्स गो, कार मार्केट प्लेस इधर है ना, फुल स्पीड से नेबरहुड वालों को आवाज़ सुनाई देनी चाहिए अपनी गाड़ी की। ओके क्रेजी भाई, आराम से और अभी कार मार्केट प्लेस उधर है ना, तो जल्दी से जाके मैं यहाँ से गाड़ियाँ खरीदता हूँ ब्रो। आज कौन सी सुपर कार चाहिए, ओ भाई देखो डेमो सेट कर दिया भाई पूरा ड्रिफ्ट करके इनके सामने। अबे ये लोग नेबरहुड वालों का क्या करा जाए भाई, ये साले अपनी गाड़ियाँ यहाँ ले लेके आ गए ब्रो। तो यहाँ पे एक फरारी, फिर से इससे मैं बात करता हूँ, 3-4 लाख है, 5 लाख रुपए इजी मांगेगा, 1,84,000, तो इससे मैं बार्गेन करता हूँ, लाइक 1,50,000 में दे दे ब्रो। ओके 1,50,000 का मैंने ऑफर दिया, बेच देगा भाई ये। ओके नाइस थैंक यू, पैर पे भेज दिया मैंने और यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ओके नाइस लेट्स गो भाई, ये देखो फरारी का कलर देखो भाई एक बार। ओके नाइस, इसको भी मेरे को लाइक जो मेरे पास अभी भी फरारी है ना जो मैं चला रहा हूँ इसको भी मैंने ठोक दी थी, तो इसको भी रिपेयर करवानी है। तो लेट्स गो आराम से ठीक कर रहे भाई, मैंने ठोक दी थी यार ये भगाते पता नहीं किधर ठोकी थी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। सब कुछ लाइक ये क्लीन लग रही थी मेरे को, लेकिन इसमें बहुत ही सारा डैमेज है और इसके जो टायर्स है ना भाई वो मेरे को अपग्रेड कराने की जरूरत नहीं है, तो ये ठीक होने देते हैं। टिकट मैंने ले ली ऑक्शन की, तो 12 बजे का वेट मेरे को करना पड़ेगा और फिर जाके अपने को ऑप्शन से वो गाड़ी खरीदनी है। लाइक मुझे नहीं पता भाई वो कार कौन सी है, एक बार मैं इनको पेंट करवाता हूँ भाई ये गाड़ियाँ इन गाड़ियों के, उसके सस्पेंशन ठीक है एक बार मैं ठीक करवाता हूँ भाई। मैं ये वाली जो मस्टैंग है ना एक बार इसको भी रिपेयर करा देता हूँ यार, ये भारी कब से खड़ी है यहाँ पे ऑटो रिपेयर पे। तो रेसिंग किट का मैं क्या करूँगा, ये डाल दे भाई NOS और ABS तो इसमें लगेगा नहीं, और सस्पेंशन मैं थोड़े नीचे करना चाहता हूँ भाई, इसके थोड़े काफी ऊंची लग रही है, ऊंची लग रही है भाई मेरे को, तो टायर भी अपग्रेड कराने की जरूरत नहीं है, तो अभी मेरे को बस इसको पेंट करवाना है। तो लेट्स गो भाई, किसकी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, जल्दी हटा ले वरना ठोक दूंगा, जल्दी हटा ले ब्रो। आवाज़ हट गई आराम से, कूल डाउन मस्टैंग कूल डाउन। तो एक बार मैं इसके भी पेंट करवा लेता हूँ ब्रो। भाई मैंने इसके ऊपर पेंट करवा दिया और मुझे ऐसे लगती है बहुत ही ज्यादा गंदी है, तो जल्दी से इसको साफ करता हूँ एक दफा। ये कलर भी अच्छा है, ब्राउन कलर यार, हद है। वैसे अपन को इसको सेल करनी है, मस्टैंग मेरे पास 3-4 है, मैं क्या ही करूंगा। तो जल्दी से एक बार मैं इसको वॉश करता हूँ और जल्दी से जाके इसको सेल करते हैं, या फिर मैं थोड़ा रुकता हूँ भाई, अभी मेरे को ऑक्शन पे जाना है, तो 12 बजने वाली है, तो जल्दी से चलते हैं ऑक्शन पे अपनी फरारी लेके। यहाँ से मैंने अपनी फरारी साफ करके उठा लिया और अभी जाने वाले हैं कार ऑक्शन पे, और वहाँ पे जाके ऐसे ड्रिफ्ट मारूंगा ना भाई कि वो लोग बोलेंगे भाई कोई तो आया यहाँ पे गाड़ी लेने। लेट्स गो, अबे यार बहुत सारे ड्रिफ्ट मार नहीं पाऊंगा, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है ऑफिस के सामने से, फिर भी ड्रिफ्ट तो मार ही थी भाई इजी। अभी 12 बज चुकी है तो अभी यहाँ पे बैठ ब्रो, ये वाली गाड़ी, ओ भाई मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम पे आ गया भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो ये वाली गाड़ी सेल होने वाली है, बिड स्टार्ट हो गई है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगी ब्रो, 10-15 हज़ार खींच के 10-15 हज़ार बिकेगी भाई। वो दूसरे नंबर वाली गाड़ी मुझे पता नहीं कौन सी है, लेकिन उसको मैं लेके जाने वाला हूँ भाई, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी कार लगी थी वो, खींच के 15 हज़ार जाएगी वाली कार, इतना तो मुझे यहाँ पे पता चल गया भाई, गाड़ियाँ खरीदते खरीदते और सेल करते करते 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं जाएगी भाई ये।
और कोई बेवकूफ ही होगा जो इतना पैसा इसमें डालेगा, क्योंकि नेबरहुड में 1500-1500 में मिलती है कारें। और इतना पैसा क्यों फूक रहे उसमें? ये बिकी है 7000 में और ये वाली कार तो मैं लेके जाऊंगा भाई। ये कौन सी है? इसका डिजाइन मेरे को काफी अच्छा लगा है। तो ये तो भाई इसकी तो प्राइस ही बहुत ही ज्यादा है। ये ले भाई, मैं 3000 बढ़ा रहा हूँ इसके। ले ये कार तो मैं लेके जाऊंगा भाई, 1 लाख तक, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख पे जाएगी। पसंद आ गई भाई, मुझे पसंद आ गई। उसका डिजाइन काफी तगड़ा है ना ब्रो। ओके नाइस, गाड़ी शायद अपन ने खरीद लिया है वहां से, लेट्स गो। ओके नाइस, तो फाइनली भाई अपन, अरे भाई अपनी कार कहाँ गई? ये खड़ी ना भाई, मैं सोचा अपनी कार कौन लेके गया भाई इधर से। भाई इसका डिज़ाइन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन इसके ऊपर अपन थोड़ा बहुत पैसा खर्च करेंगे ना, लाइक इसके सस्पेंशन के ऊपर, इसके कलर के ऊपर। तो ये एक शो पीस बन सकती है अपने ऑफिस पे, तो एक बार मैं इसको रिपेयर के लिए भेजता हूँ। लाइक पता नहीं यार निसान GTR कब मिलेगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है यार। मैं काफ़ी दिनों से यार मैं गेम में आता ही भाई यहाँ पे निसान GTR लेने के लिए, लेकिन मुझे मिलती नहीं है भाई, मैं क्या करूँ भाई। फिर से मैं ऑटो रिपेयर पे आ गया और इसको मैं रिपेयर करने वाला हूँ यार। अभी तो अपने पास गाड़ियाँ खूब खड़ी है, लाइक मैं गाड़ियाँ खरीद खरीद के भूल चुका हूँ भाई। एक सुपर इधर खड़ी है, तो यहाँ पे इसको रिपेयर करा दें, लाइक इसमें कितना खर्चा है। ओके नाइस, इसमें खर्चा नहीं है, तो अभी जल्दी गए तो चलने। और यार आवाज़ काफ़ी तगड़ी है इसकी, और इसका अभी ट्यूनिंग व्यूनिंग करवाते हैं भाई, क्योंकि इसमें टायर वायर थोड़े में इसके लाइक एंटिक टायर ही डलवाने वाला हूँ इसमें। इसको अच्छे से चमका दे, अभी मैं बोल रहा हूँ इसको अच्छे से चमका दे ब्रो। रेसिंग किट डाल दे, टर्बो डाल दे, एनोवल डाल दे, सब कुछ डाल दे, ABS डाल दे, और सस्पेंशन इसके थोड़े मैं ऊपर करने वाला हूँ, लाइक काफ़ी ज़्यादा नीचे टच हो रहे भाई ये बॉडी के। और व्हील भी मैं थोड़े इसमें एंटिक से डलाने वाला हूँ, लाइक इस टाइप के। नहीं यार ये तो बहुत ही गंदे लग रहे हैं, इसमें टायर भी बहुत ही ज़्यादा महंगे लगाए हैं। तो देखो भाई अभी मस्त लग रही है, तो अभी बस मेरे को एक ही काम करना है। उसका इंटीरियर काफ़ी एंटीक है भाई, काफ़ी ज़्यादा एंटीक है भाई। टायर वायर तो सब गजब लग रहे हैं इसमें। एक बार मैं इससे बात करता हूँ तो इसमें मेरे को कलर भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक करवाना पड़ेगा, लाइक ब्लैक। ओ भाई इसके कलर में ब्लैक करवा सकता हूँ मुझे ऐसा लगता है, तो मैं इसके ब्लैक कराने वाला हूँ। ओके नाइस, फुल ब्लैक करा रहा हूँ मैं, और इसको थोड़े मैट में कराने वाला हूँ। उसको मैंने मैट में करवा दिया, और अभी जो अपना बंदा है ना इसको मैं टेलीपोर्ट कर दूंगा, वो इसको वॉश कर देगा बेसिकली। तो लाइक अभी जो जो अपने पास ये सुपर है ना, इसको भी मैं थोड़ा मॉडिफाई कराने वाला हूँ। इसके भी अभी मेरे को टायर वायर लगवाने हैं, बहुत कुछ करना है। लाइक सुपर कार तो काफ़ी ज़्यादा भाई मेरे पास। भाई यार सुपरा की तो बराबरी कोई नहीं कर सकता भाई। ड्रिप किट नहीं चाहिए मेरे को, ये डाल दे, मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन सस्पेंशन थोड़े से नीचे कर दे। व्हील तो देखना इसमें सुपरा में, अगर मैं व्हील ये वाले लगाऊँ ना भाई तो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स वाला लुक दे रही है। तो ठीक है ये वाले व्हील सही है, और अभी मेरे को करना है इसको लेके जाना है। और व्हील देखो भाई, व्हील इसमें क्रेजी लग रही है। इसका इंटीरियर भी थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है भाई, लेकिन रात हो चुकी है भाई एकदम से। तो ठीक है भाई, इसको मैं यहाँ पे पार्क करता हूँ, जल्दी से बस पकड़ के अपने घर पे जाता हूँ, अपने कंटेनर पे जाता हूँ। और नेक्स्ट डे का मेरे को वेट करना पड़ेगा बेसिकली, और नेक्स्ट डे पे देखना पड़ेगा लाइक क्या ओपन होने वाला, ऑक्शन ओपन होगा या फिर कार मार्केट प्लेस। फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने कंटेनर पे, अपने बेड पे। ओके तो आज फिर से कार मार्केट प्लेस ओपन हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, जल्दी से मैं जाने वाला हूँ ऑफिस पे, और लाइक जितने भी ऑटो रिपेयर पे मैंने कारें खड़ी कर रखी थी ना, वो सारी मैं एक बार उनका कलर वलर करवा के मैं अपग्रेड करता हूँ, और उनको अपने ऑफिस में खड़ी करता हूँ, जिससे वो बंदा उनको साफ वाफ कर देगा। तो इसके मैं कौन सा कलर कराऊं यार, एक तो यहाँ पे कलर चूज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है ब्रो, काफी ज्यादा। मैं इस बार रेड करवाता हूँ यार। थोड़ी का भाई ये भी मैंने अपग्रेड करा दिया, तो इसको भी मैं टेलीपोर्ट कर देता हूँ, अभी तो जगह नहीं बची वहाँ पे, तो मेरे को चला के लेके जानी पड़ेगी। तो जल्दी से लेके चलते हैं इसको। सुपरा की तो बराबर कोई नहीं कर सकता भाई, सुपरा तो क्रेजी कार है भाई, क्रेजी कार। तो ठीक है यहाँ पे पार्क करता हूँ मैं इसको। ओ भाई रिवर्स तो बहुत ही ज्यादा तगड़े लगाता हूँ भाई मैं, तो जितने भी कार है ना एक बार मैं ऑफिस में पार्क करता हूँ। यहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ खड़ी है यार, इसको भी मैंने पार्क कर दिया, और अभी 2-3 गाड़ियाँ और बच रही है, इनको भी मैं जल्दी से ऑफिस में लगाता हूँ। रिवर्स तो बहुत ही ज्यादा तगड़ी लगाता है तुम्हारा भाई, रिवर्स एक नंबर लगाता हूँ भाई। ये बंदा एक इकलौता बंदा है जो साला इसके सामने गाड़ी भी खड़ी कर दो ना, तो गाड़ी के देखो, गाड़ी के अंदर से जाके ये रेड वाली कार साफ कर रहा है भाई, क्रेजी बंदा है, भूत वाला बंदा है भाई ये। तो ठीक है एक बार मैं जितने भी बिल्स आए ना अपने ऑफिस के वो पे करता हूँ एक बार मैं जल्दी से। और लाइक मुझे बताओ यार मैं कैसे रेयर कार यहाँ पे खरीद पाऊंगा, और कैसे खरीदते हैं, लाइक मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मुझे एक भी रेयर कार नहीं मिली यहाँ पे। तो 12000 का बिल आया, मैंने पे कर दिया। तो अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले बाय। Please, sir.